पिछली बार मेरा दोस्त मुझे बोलता है कि अगर मैं ऑफ रोड रेस जीत जाता हूँ तो मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे और उसी के लिए मैं पुरानी ऑल्टो को बबलू मैकेनिक के पास जाके रिस्टोर करवा लेता हूँ और इस नई ऑल्टो के साथ मैं इम्पॉसिबल ऑफ रोड रेस में हिस्सा लेता हूँ। और इनमें से हाइलक्स वाले ने ये भी बेट लगा ली थी कि अगर मैं रेस जीत जाता हूँ तो मुझे उसकी गाड़ी मिल जाएगी और आखिरकार मैं किसी तरह इस रेस को जीत जाता हूँ और हाइलक्स और 5 लाख रुपए मेरे हो जाते हैं और इनाम लेके मैं घर के लिए निकल पड़ता हूँ। अब जबकि ये रेस मैं जीत गया था मेरे पास 5 लाख रुपए और ये टोयोटा का हाइलक्स ट्रक था, लेकिन अभी सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि इस ट्रक का आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। रोजमर्रा के कामों के लिए मेरे पास स्प्लेंडर और ऑल्टो तो ऑलरेडी थे, ये ट्रक इतना बड़ा था कि मेरे छोटे से गैरेज में फिट भी नहीं हो सकता था। और जब मैंने सोचा कि मैं इसे अपने घर के बाहर ही पार्क कर दूं तब मुझे याद आया कि मैं लॉस सैंटोस की सबसे डेंजरस स्ट्रीट पर रहता हूँ जहाँ पे कुछ इस प्रकार के लोग रहते हैं। अरे चिकने, नई गाड़ी उठा के लेके आया गया, इसकी हवा तो मैं ही छोड़ने वाला हूँ। इसकी तो भाई नई गाड़ी अपने को जुटाने की है, खर्चा पानी निकल जाएगा। तो मेरे घर के बाहर तो इस गाड़ी को पार्क करना भी मुश्किल था और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि इस ट्रक की मेंटेनेंस में कर सकूं, क्योंकि भाई ऑलरेडी मावेश ने मेरा सारा पैसा हड़प लिया था। मैं कल काफी सोच में पड़ गया कि इस ट्रक के साथ अब क्या किया जाए, ये मेरे ऊपर बोझ बन के रह गया था। तभी मेरे दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इसे बेच दूं। अभी मेरे लिए सबसे सही फैसला था और मेरे पास पहली बात कोई चारा भी नहीं था, तो मैं तुरंत अपने हाइलक्स की तरफ बढ़ता हूं, उसका दरवाजा खोल के इंजन स्टार्ट करता हूं। और भाई इसके इंजन की आवाज सुन के बुरा तो लग रहा था कि भाई मुझे इसे बेचना पड़ रहा है, लेकिन मैं वहां से निकल जाता हूं। जहां तक मुझे पता है इंडिया में इसकी प्राइस 40 लाख के आसपास है और ये इंपोर्टेड व्हीकल है, तो मुझे इसके कम से कम 60 लाख तो यहाँ पे मिल जाएंगे अगर मैं इसको रीसेल भी करता हूँ तो। मैं इतने ही रुपए एक्सेप्ट कर रहा था और मैं सोच रहा था कि भाई इतने भी अगर पैसे मुझे मिल जाते हैं तो थोड़ी बहुत मैं सिचुएशन को ठीक कर सकता हूँ। और फाइनली 2 घंटे ड्राइव करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ छोटा सत्तूर मार्केट में और यहाँ पे भाई पुरानी कार्स को बेच सकते हैं अपन जाके। तो मैं यहाँ पे जाके अपनी गाड़ी को पार्क कर देता हूँ और फिर गाड़ी को पार्क करने के बाद मैं वहाँ पे उनको अपनी गाड़ी दिखाना शुरू कर देता हूँ। वो गाड़ी को अच्छे तरीके से इंस्पेक्ट करते हैं और गाड़ी को इंस्पेक्ट करने के बाद सत्तू भाई बोलते हैं, कंडीशन तो एक नंबर दिख रही भाई, लेकिन बात कैसी है ना, गाड़ी की आजकल डिमांड नहीं चल रही, तो वही 40 लाख मिल जाएंगे गाड़ी के, मंजूर है क्या बोल। ये सुन के मैं समझ गया कि मुझे टोपी बना रहा है, तो मैंने उससे पूछा, भाई नहीं इतने में तो नहीं होने वाला, कम से कम तो मुझे इस गाड़ी के 55 लाख रुपए चाहिए थे। ये बोलने के बाद सत्तू भाई थोड़ा सोचते हैं और फिर वो बोलते, चल ठीक है मान ली, 55 में डील डन करते हैं। और फिर उसके बाद वो मुझे 55 लाख की पेमेंट कर देते हैं। कर दिया रे 55, चेक कर ले आ गए क्या। और मैं अपना अकाउंट चेक करता हूँ तो उसमें 55 लाख रुपए आ चुके थे, तो अब मैं थैंक यू बोलता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। अब मेरे पास पूरे टोटल 60 लाख रुपए थे, पहले के इनाम के जीते हुए 5 लाख रुपए और इस गाड़ी के 55 लाख रुपए, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। 60 लाख रुपए मेरे पास आ तो गए थे, लेकिन इन पैसों का मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें इन्वेस्ट कर दिया जाए। लेकिन पिछली बार जो मुझे घाटा हुआ स्टॉक्स में, उसके बाद तो मैं इन्वेस्टिंग के नाम से भी डर रहा हूँ। और बहुत देर तक सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई कि मुझे वो काम करना चाहिए इन पैसों के साथ जिस फील्ड में मैं अच्छा हूँ, और अब मैं समझ गया था कि मुझे क्या करना है। तो मैं तुरंत वहां से उठा और फटाक से भागते हुए पहुंच गया लॉस सैंटोस के बंगर मार्केट में और यहाँ पे मुझे अपनी काम की चीजें मिलने वाली थी। और जैसे ही मैं पहुंचा मुझे वहाँ पे अपनी काम की चीजें मिल भी गई। यहाँ पे पहुंचने के बाद मुझे काफी एक्सीडेंटल गाड़ियां दिखाई दी जिनका बेसिकली कोई ओनर नहीं था, इन्हें लोग अबैंडन करके जा चुके थे और यही मेरे काम के लिए परफेक्ट थे। यहाँ पे क्रेटा थी, डिजायर थी, सियासी अल्ट्रोस भी थी, लेकिन उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट होकर रखा और ये मेरे काम के लिए परफेक्ट भी थी। तो मैं तुरंत स्टॉकयार्ड के मालिक के पास जाता हूँ और उसे बोलता हूँ कि ये सारी कार तुम कितने में दोगे। वो पहले तो थोड़ा हैरान होता है और उसके बाद फिर बोलता है, सारी गाड़ियां मिला के 30 लाख हुए, लेकिन तेरे लिए 26 कर दूंगा मैं। और ये सुन के मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां मुझे मिल रही थी सिर्फ और सिर्फ 26 लाख में। और फिर मैं उससे 1 लाख और कम करवा लेता हूँ और टोटल 25 लाख की पेमेंट उसे कर देता हूँ, और इसके बाद ये सारी गाड़ियां मेरी हो जाती है। अब इन सारी गाड़ियों को बबलू मैकेनिक के वर्कशॉप में लेके जाना था, तो मैं तुरंत अपने दोस्त को फोन करके बुलाता हूँ और बोलता हूँ कि उसे ट्रक्स लेके आ जा। और लगभग 2 घंटे इंतजार करने के बाद मेरा दोस्त आ जाता है अपने 3 बड़े बड़े ट्रक्स लेके। 3 ट्रक्स लाना वैसे जरूरी भी था क्योंकि एक ट्रक में तो इतनी सारी गाड़ियां नहीं जाने वाली थी। और उसके बाद फिर हम एक एक करके अपनी सारी गाड़ियों को ट्रक के अंदर लोड कर देते हैं। उसके बाद मैं चेक भी करता हूँ गाड़ियां सही से ट्रक पे रखे हुए हैं भी कि नहीं, और उसके बाद फिर हम सारे लोग मिलकर निकल पड़ते हैं सीधा इन तीनों ट्रकों में बैठ के बबलू मैकेनिक की वर्कशॉप पे। वहाँ पे पहुंचने के बाद एक एक करके हम सारे ट्रक्स को पार्क कर देते हैं और वहाँ पे आ जाते हैं फिर बबलू भाई, और फिर मैं उन्हें बोलता हूँ कि मुझे इन सारी कार्स को रिस्टोर करना है। पर बबलू भाई मुझे मना करते हुए बोलता है, तू वो ऑल्टो वाली ऑफ रोड रेस जीत गया लेकिन आधा अमाउंट मेरे को अभी तक नहीं दिया, और ये बात तो मैं भूल गया था, तो मैं सॉरी बोलता हूँ और अपने जीते हुए रेस के पैसों से जो 5 लाख रुपए थे उसमें से मैं 2 लाख रुपए उन्हें दे देता हूं और बोलता हूँ कि इन सारी गाड़ियों को रिस्टोर कर दो प्लीज। वो पहले तो सोचते हैं लेकिन मैं उन्हें 4 लाख रुपए और दे देता हूँ। ये सब देख के वो काफी खुश होते हैं और बोलते हैं कि तेरा काम हो जाएगा। उसके बाद हम सारी कार्स को ट्रक से निकाल के गैरेज में रख देते हैं और बबलू भाई मुझे बोलते हैं कि सारी गाड़ी रिस्टोर होने में लगभग 4 हफ्ते लग जाएंगे, तो 4 हफ्ते बाद आना। तो मैं उन्हें थैंक यू बोल के अपनी स्प्लेंडर पे बैठ के वहां से निकल जाता हूं। और अब मेरा विजन क्लियर था, जैसे बहुत सारे लोगों को इंडियन कार्स चाहिए लेकिन यहां पे लॉस सैंटोस में मिलते नहीं, और किसी को इंपोर्ट करवाना है तो उसको बहुत सारा टैक्स देना पड़ता है। तो मैंने सोच लिया था कि इन कार्स को रिपेयर करा के अब मैं इन्हें सेल करूंगा, इससे टैक्स भी कम लगेगा, लोगों को इंडियन कार्स भी मिलेंगी और प्रॉफिट भी मेरा बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अब बस मुझे तलाश थी ऐसी जगह की
जहाँ पे मैं अपनी कार्स को बेच सकूँ और थोड़ी देर मेहनत मशक्कत करने के बाद आखिर मुझे वो जगह मिल जाती है जहाँ पे मैं अपना शोरूम खोल सकता हूँ। मुझे एक बिलबोर्ड पे फॉर सेल फॉर रेंट दिखाई देता है तो मैं तुरंत उस नंबर पे कॉल करता हूँ और उसके मालिक से मीटिंग फिक्स करवा लेता हूँ। और उस जगह का मालिक मुझे बोलता है कि इस जगह का किराया 50,000 रुपए महीना है। पहले तो मुझे लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मेरा बिजनेस चल पड़ा, ये जगह क्योंकि रोड पे भी है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं वही के वही 50,000 की पेमेंट उसे कर देता हूँ और अब ये जगह मेरी हुई। वैसे तो ये काफी बेकार दिख रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं इसे थोड़ा क्लीनअप वगैरह कर देता हूँ और अब मेरी ये शोरूम के लिए तैयार थी। और फाइनली अब 4 हफ्ते बाद हमारे सारे के सारे गाड़ियां एक एक करके ट्रक में आने लगती है और भाई साहब ये सारे के सारे गाड़ियां बिल्कुल न्यू लग रहे थे। ऐसा लग रहा था इन्हें बस अभी शोरूम से खरीद के लाए हो भाई। इन सबको देख के कोई बता भी नहीं सकता था कि ये एक्सीडेंटल डैमेज या पुरानी गाड़ियां है। सबके सब ऐसे लग रहे थे कि बिल्कुल नई है और ये भाई बबलू मैकेनिक जो है ना अपने पूरे के पूरे एक जादूगर निकले। तो बस फिर क्या था, मैंने अपनी सारी गाड़ियों को अरेंज अच्छे से कर दिया शोरूम में और बस अपना इंतजार करने लगा। मैं काफी ज्यादा नर्वस था और सोच रहा था कि भाई यार कस्टमर्स आएंगे भी कि नहीं आएंगे और गाड़ियों को खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। और फिर देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमनी शुरू हो जाती है और भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा था, पहले एक बंदा आया फिर दो और फिर देखते देखते काफी सारे लोग आ गए। उन्हें पता नहीं गाड़ियों से क्या अट्रैक्शन हुआ कि भाई सब लोग हमारे गाड़ियों को अच्छे तरीके से देखने लगे और लोग गाड़ियों को देख के तरह तरह की बातें कर रहे थे। हालांकि लोगों को पता था कि गाड़ियां प्री ओन्ड है, लेकिन इनकी कंडीशन देख के और इनकी क्वालिटी पे किसी को भी कोई शक नहीं हो रहा था और लोग हमारी गाड़ी को देख के काफी ज्यादा खुश थे और उन्होंने भाई मन बना ही लिया था। और फाइनली जिस चीज का मैं इंतजार कर रहा था वो गया, पहली गाड़ी की डिलीवरी होना शुरू हो जाती है और भाई साहब एक बंदे ने लिटरली मुझे पूरा कैश देके उस गाड़ी को खरीद लिया था और मैंने अपनी पहली डिलीवरी कर दी। मैंने मस्त फोटो वोटो ली कस्टमर के साथ और कस्टमर काफी ज्यादा खुश था। और कस्टमर ने मुझे ये बात बोली, भाई यार ये गाड़ी कितने दिन से लेना चाहता था लेकिन यार कितनी महंगी मिल रही थी। इसके बाद लगातार बार बार यहाँ पे मेरे जो सारे गाड़िया है एक एक करके सारी गाड़ियों की डिलीवरी होना स्टार्ट हो गई। पहले सियाज की हुई, फिर डिजायर की हुई, अर्टिगा की हुई, भाई मतलब एक के बाद एक हमारी जितनी भी गाड़ियां थी दोस्तों सारी बिकनी शुरू हो गई और आखिरी में भाई पूरे के पूरे जो जितने भी गाड़ियां थे दोस्तों वो सारी के सारी गाड़ियां बिक गई। और आप यकीन नहीं करोगे लेकिन जिन गाड़ियों पे मैंने 26 लाख का खर्चा किया था उनको सेकंड हैंड खरीद के उन गाड़ियों ने मुझे 75 लाख रुपए कमा के दे दिए। मुझे लिटरली यकीन नहीं हो रहा था लेकिन ये सारी गाड़ियों ने आखिरकार मुझे प्रॉफिट निकाल के दे दी। एक ही दिन के अंदर मैंने 75 लाख रुपए कमा लिए थे वो भी सेकंड हैंड कार्स को बेच के और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो अब आप दोस्तों बताइए कि ये 75 लाख को मैं ऐसा क्या करूं कि भाई लगभग मैं इसको 2 करोड़ या 3 करोड़ तक लेके चले जाऊं। कमेंट करो यार, जिसका ज्यादा सबसे बढ़िया कमेंट रहेगा अपन वही करेंगे। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।